नगर निगम भिलाई चरोदा की सामान्य सभा में प्रश्नकाल नहीं रखे जाने को लेकर विपक्षी भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच काफी देर तक नोकझोंक चली। महापौर निर्मल कोसरे ने सामान्य सभा के आयोजन और उसकी रूपरेखा को सभापति का विशेषाधिकार करार देते हुए अधिनियम के तहत बैठक रखे जाने का जवाब दिया, जबकि भाजपा ने प्रश्नकाल नहीं रखे जाने को पार्षदों के अधिकारों पर हनन निरूपित किया गया। देखिए, सबसे पहले आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग की जनगणना हुई थी उसी को अनुमोदन करके सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित करके हमको जिला कलेक्टर महोदय के पास भेजना था, जिसका आज प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा जो सिरसा गेट चौक जो गुमटियां जो हमारी बनी हुई थी पालिका बाजार, उसका जो नीलामी हुआ था उच्चतम नीलामी के लिए उसमें अनुमोदन किया गया। साथ ही साथ जो शासकीय अस्पताल के पास जो दुकानें बनी थी उस दुकानों को भी उच्चतम बोली के आधार पर दिया गया। इनके साथ साथ जो विश्व बैंक कॉलोनी में जो रहवासी निवास करते हैं उनको पट्टा देने के विषय में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार उनका अनुमोदन किया गया। बहुत जल्द अब विश्व बैंक कॉलोनी वासियों को पट्टा वितरित किया जाएंगे। साथ ही साथ जो अन्य जनहित के जो मुद्दे हैं उसमें सम्मानित पार्षदों से सुझाव रखने के लिए कहा गया था। कुछ अच्छे सुझाव आए हैं जिसको क्रियान्वित किया जाएगा। कुछ छोटी मोटी जो समस्याएं पार्षदों ने जो रखी है उसको भी, बरसात का समय है, बरसात के समय से पहले ही हम लोगों ने 6 तारीख से टीम बना के नालियों की सफाई का काम शुरू कर दिए हैं। विद्युत की समस्याएं जो आ रही है, विद्युत हमारे पास लाइटें आ चुकी है। जैसे जैसे जिस वार्डों में विद्युत खंभे हैं जहां पर लाइट नहीं जल रही है या नए खंभे लगे हुए हैं उसमें लाइट की व्यवस्था की जाएगी। हमारे पार्षदों का मांग था कि हर 3 महीने में सामान्य सभा होना चाहिए, उसमें क्या है व्यवहारिक चर्चा हो जाता है, कुछ समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो मैंने आग्रह किया कि समान सभा रखा जाए, हालांकि 3 महीने में रखा जाता है फिर भी मनसा के रूप रखा जाए। भाजपा पार्षद ने मांग किया था 16 लोगों ने, जिसमें देव बलदाव महोत्सव और माननीय CM मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का जो पिछड़ा वर्ग का था, राशन कार्ड का था जिसमें पिछड़ा वर्ग को लाभ मिले और कुछ अन्य वर्गों को, तो आज सामान्य सभा में रखा गया और बहुत सब लोग सहयोग किए, सभी कार्यों को बहुत आसानी से पास किए। कुछ के द्वारा विवादित बयान था जिसने हमने मना किया कि ऐसा बयान ना दे और उसको माइक भी उसको छीना जाए, क्योंकि इतना शांति से चल रहा जो सभा उसमें विघ्न बाधा डालने वाले को बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। हित की बात करें, जनता की बात करें और जो जनता के हित में वो बात करें उसको हम बिल्कुल सुचारू रूप से सुनेंगे और उसके कार्य करेंगे, अन्यथा गलत बात को हम बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी हर योजना को बहुत आसानी से देते हैं और आसानी से अमल करते हैं और हमारी मांग सुनता, खासकर भिलाई चरोदा का हमारे CM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मांग सभा की बैठक थी, इस बैठक में हमारे अधिकारों का हनन किया गया, प्रश्नकाल नहीं रखा गया। शायद इसलिए नहीं रखा गया कि शायद वो चर्चा करना चाहते नहीं हैं। फिर लोक महत्व में भी समय दिया तो लोक महत्व में भी आधे घंटे का समय था, आधे घंटे में ठीक से क्या चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो नहीं बोल पाया और बहुत से ऐसे मुद्दे बोले भी। अभी जो नाली सफाई किए, बरसात चालू हो गया उसके बाद नाली सफाई किए, फॉगिंग मशीन रखे हैं क्षेत्र में, मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है, फॉगिंग मशीन नहीं चला रहे हैं, कोरोना इतना बढ़ते जा रहा है, कोरोना के लिए कोई इनकी तैयारी नहीं है। मेरी एक छोटी सी मांग थी कि भाई जो गरीब हैं, जो रोजी मजदूरी करने वाले हैं, वो प्राइवेट में 300-400 रुपया शुल्क दे करके बूस्टर डोज लगाने में असमर्थ है, तो कम से कम हम निगम के तरफ से ये व्यवस्था करके उन लोगों को बूस्टर डोज लगाने का कम से कम व्यवस्था करें। मैं महापौर जी से बात किया लेकिन महापौर जी साफ बोले ये केंद्र जाने, मोदी जी जाने, हमारे हम कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी बात है, दादर रोड में, दादर गाँव में ये लोगों ने अप्रैल महीने में तालाब को खोद दिए बिना किसी से परमिशन लिए, बिना कोई
आदेश के सब आपस में मिल करके क्या किए पता नहीं, तालाब खोद दिए। उसके लिए मैं बोला एक समिति गठन करके कम से कम उस पर जाँच कराई जाए, तो उस पर भी बोले नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो हमारा हक है, हम लोग कर सकते हैं वो है। उसके बाद लाइट खरीदी गई है 1,10,00,000 रुपए की, तो 1,10,00,000 रुपये की लाइट खरीदने का अधिकार इनको कहाँ से मिला? अगर खरीदे भी हैं तो उसको परिषद अभी थी आज, कम से कम लाइट आ गया है, खरीद चुके हैं, तो उसको उस विषय को परिषद में रखना था, उसको भी नहीं रखे, पता नहीं अंदर क्या किए क्या नहीं किए, यही सब बातें हैं। अब हम अपनी बात को रख रहे हैं, अब वो अपनी बात वो अपने हिसाब से उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं। आगे चल के रणनीति अब हम बना रहे हैं, हमको बोला गया है कि दीपावली और कब बोला गया दशहरा के बीच में एक सामान्य सभा रखा जाएगा जिसमें प्रश्नकाल भी रहेगा, और उस विषय पे हम उस जो भी बात होगा जो भी हमारा प्रश्न होगा उसका जवाब आपको देंगे, ये बोल करके हम लोग को आश्वस्त किया गया है। ये आज मेरा ये प्रथम दिवस था सामान्य सभा का, और यहाँ देखने मिला सम्मानीय इस सभा के जितने भी सदस्य पार्षदगण थे उन्होंने अपनी मांग प्रमुखता से वहाँ पे रखी, जो भी विचार आए उनके उन्होंने रखा। महापौर को ये देखने को मिला कि वो इनके बातों को जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे थे और वो जवाब से बचना चाह रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे, और सभापति के माध्यम से बार बार बोलने के बाद भी बाकी लोगों को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। और सभा ऐसा इन लोगों ने बनाया था कि मात्र 2 घंटे में सभा को इन्होंने समाप्त कर दिया, ज़्यादा विषयों पर चर्चा भी नहीं हुई। अभी बहुत सारे विषय महत्वपूर्ण विषय लोक महत्व के बहुत सारे विषय छूट चुके हैं, और महापौर जी जो साइकिल यात्रा अपना निकालते हैं जाते हैं वार्डों में समस्या है उस पर भी गंभीरता नहीं है, वो अपना देख के बस चले जाते हैं, वो वादे जो करके जाते हैं आज तक वो पूर्ण नहीं हुआ है। केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाएं बहुत सारी है, आवास की, नल जल की, और राशन कार्ड से लेके वृद्धा पेंशन से बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जो यहाँ पे चल रही है जो सुचारू रूप से यहाँ पे नहीं चलाई जा रही है, उसको आगे और इम्प्लीमेंट करवाना है, अच्छे से उसको आगे के संचालन के लिए करना है, स्वरूप रेखा बना के अपन आपस में बैठ के इस चीज़ को और जानकारी उनसे लेंगे कितना फंड राज्य सरकार का कितना केंद्र सरकार का इसमें निहित है, और उसके बाद आगे का कार्रवाई करेंगे, और यहाँ की जो भी मांगे हो सांसद महोदय तक ये बात को अवगत कराएंगे।